तो भाइयों और बहनों, आज की वीडियो जो है वो इस बंदे ने रिकमेंड किया था, तो इसलिए हमने आज का ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ दिस मैन। सो ऑल ऑफ यू अ बिग हैंड टू हिम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज, वॉच द फुल वीडियोज। ओके, लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट गाइज। हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सभी लोग, और स्वागत है मेरे चैनल पर। चलो अपने जेसीबी को स्टार्ट करते हैं और लोडिंग करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये वीडियो एक भाई की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने बनाई है। अरे मैं क्यों इधर से जा रहा हूँ, मुझे तो इधर से जाना चाहिए था। तो आज हम करने क्या वाले हैं कि एक यहाँ पर अपना एक भाई ने रिक्वेस्ट किया था वीडियो बनाने के लिए, तो मैं उनके ही रिक्वेस्ट अनुसार, तो मुझे हिंदी बोलने में कुछ दिक्कत हो रही है। अपना फीलिंग्स में फ्रीली नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं इंडियन नहीं हूँ। तो एक भाई ने बताया था कि मुझे सैलेज बनाना है और उसे ले जाकर बेचना है। तो मुझे मालूम नहीं कि सैलेज बेचते कहाँ हैं पर हैं। ठीक है, तो अभी हम ठीक है ट्रैक्टर पर ले जाकर खड़ी कर देंगे वहां पर। और दोस्तों, इस ट्रैक्टर के पास ज्यादा पावर नहीं होता है, और मुझे ऐसे ट्रैक्टर बहुत पसंद है जिसके पावर बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये जब दम लगाते हैं ना तब बहुत मजा आता है। और पता नहीं मेरी हिंदी कुछ क्या लग रही होगी यार। तो ये कुछ ज्यादा ही आगे है। ठीक है, तो अगर आगे नहीं ले जाऊंगा तो ये जेसीबी लोड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसकी जेसीबी के पास उतना ज्यादा लोडिंग कैपेसिटी नहीं होता है। लेकिन आप लोगों को जेसीबी पसंद आता है, तो इसलिए मैं जेसीबी का वीडियो बनाता हूँ। वरना मेरा इंटरेस्ट तो ट्रक्स के वीडियो बनाने पर था। और बाहर कुछ आवाजें आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें वीडियो बनाने के लिए परेशानी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे बंदे हैं जो जुगाड़ पे जुगाड़ करते हैं और अपना वीडियो बनाते हैं। तो इधर कुछ दिक्कत हो रही है। ठीक है यार, ठीक है, तो अभी काम हो रहा है आसानी से। और यार, चैनल को सब्सक्राइब करने वाली बात जो है, आई थिंक मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। तो गाइस, मैं वीडियो को एडिट नहीं करूंगा क्योंकि इन सब में मजा नहीं है यार, बहुत बोरिंग काम लगता है मेरे को। इसीलिए मैं ज्यादातर, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं वीडियोस को एडिट नहीं करता हूँ। अरे यार, तो कुछ ज्यादा ही आगे है। अरे यार, पीछे आ जा थोड़ी सी। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट भी बताइए कि आपको क्या रीजन है कि आपको अच्छा नहीं लगता। डिसलाइक करने की जगह पर वो कीजिएगा, क्योंकि आप डिसलाइक करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वीडियो को क्यों डिसलाइक किया है ना। तो ठीक है यार, अभी इन सब बातों पर उलझने की वजह
उलझने की बजाय हम कुछ काम करते हैं, कुछ काम धंधा करके हम पैसे कमाते हैं। ये फार्म वर्क्स जिस भी फार्म वर्क पे लगा है, मुझे फार्म वर्क्स उतना ज्यादा नहीं पता कि कैसे करते हैं, क्या होता है और क्यों करना होता है, तो इसलिए मैं ज्यादातर जेसीबीज का ही वीडियो बनाता हूँ। मैं कल्टीवेट तो कर सकता हूँ और कल्टीवेट किया हुआ माल ले जाकर बेच भी सकता हूँ, लेकिन ये बेल बनाना यार, ये तो मेरे लिए कुछ पॉसिबल काम नहीं है, क्योंकि आज तक ज़्यादा मैंने बेल बनाने का काम नहीं किया यार, एक बार भी नहीं किया। लेकिन प्लोइंग का वीडियो मैंने बनाया था एक बार, तो अभी अपना काम हो रहा है। एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें इंडियन ट्रैक्टर्स नहीं है, इंडियन जेसीबी, ये जेसीबी भी इंडियन नहीं है यार, ये तो इंडिया में नहीं पाया जाता। अगर पाया जाता है तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि यार अपने देश में तो नहीं पाया जाता, मैंने इंडिया में भी नहीं देखी यार, उतना ज्यादा नहीं देखा है इस जेसीबी 3CX को, सिर्फ 3DX ही देखा है इंडिया में। यार इससे काम बहुत स्लो होता है, आई थिंक कि मुझे इसका कैपेसिटी बढ़ा देना चाहिए ताकि काम अपना जल्दी से हो सके। लेकिन मुझे कैपेसिटी बढ़ाना अभी नहीं आता है, ये अगर कर लूं तो आता होगा, लेकिन नहीं किया है क्योंकि बोरिंग लगता है यार ये सब करना। तो दिमाग लगाकर मैं क्या करता हूँ कि जेसीबी का वीडियो आधा बनाता हूँ, और आधा वीडियो बनाने के बाद मैं कुछ और ही लोडर वोडर लेके आता हूँ और एक्सकैवेटर लेकर आता हूँ, तो मेरा काम कुछ ज़्यादा ही आसान हो जाता है। तभी चलो, यहाँ पर नहीं यार, मैंने तो इसको अभी तक ज्वाइन भी नहीं किया। ठीक है कोई बात नहीं, चलो गाइज चलते हैं यार, अभी इससे लोड करते हैं यार, इससे तो काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और अपना वो माइनिंग वाला काम जो है वो चल रहा है, हम माइनिंग भी करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि यार अगर हमेशा माइनिंग ही करता रहूंगा तो, अरे क्या हो गया, अगर हमेशा माइनिंग ही करता रहूंगा तो वीडियो कुछ बोरिंग लगने लगेगा, तो इसीलिए मैंने जो है अभी फार्म से रिलेटेड काम करने का, मेरा दिमाग में आइडिया आ ही रहा था कि एक भाई ने मुझे कमेंट किया और बताया कि सोलो फार्मिंग से भी रिलेटेड कुछ काम कर दो। मुझे एक बात मालूम है कि इससे साउंड नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं बोलता ही जा रहा हूँ, आप बुरा ना लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा लोग। तो मैं अभी टेस्ट कर रहा हूं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और आप लोगों को इसका पार्ट अच्छा लगा है
फार्मिंग से रिलेटेड तो बताइए। और यार आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा यार, हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। जितना हो सके शेयर कर दो यार दोस्तों से, व्यूज ज्यादा आएगा और अगर व्यूज ज्यादा आया तो हमें भी मजा आएगा। चलो 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 गाइस, आई डोंट नो कि इसे सेल कहाँ पर करना है, ये सेल भी होता है या नहीं, क्योंकि यार पहली बार खेल रहे हैं ना हम। अरे 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 थक जाएगा यार, चलो इतना सा भी काम नहीं कर सकता यार, क्या लोडर बनेगा यार तू। चलो कि अभी इतना ही हो पाएगा यार, ये पता नहीं मेरा ट्रैक्टर खींच भी पाएगा या नहीं। कल आपको याद होगा कि अपना जॉन डियर नहीं खींच पाया था, लेकिन वो ट्रॉली इससे ज्यादा बड़ा था, और ये ट्रॉली होती तो यार जॉन डियर तो मजे से खींच लेता। पता नहीं क्या घंटी जैसा बज रहा है, और यार दोस्तों ये पता नहीं क्या है, ये ग्रास है या सैलेज है ये तो मुझे नहीं मालूम, तो आप लोगों को ही मालूम होगा। ग्रास जैसा भी दिखाई देता है और सैलेज जैसा भी दिखाई देता है। फर्स्ट टाइम है यार, फर्स्ट टाइम। अगर आप लोगों को किसी चीज में बुरा लगा है तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। अभी हम लास्ट ये पहली बार ही करेंगे हम ये, मतलब इसमें लोडिंग पहली बार करेंगे, दूसरी बार नहीं करेंगे यार, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोगों को ये फार्मिंग वाला वीडियो अच्छा लगा तो मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा इस जेसी का फार्मिंग से रिलेटेड काम करने वाला वीडियो। अभी तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस जेसीबी से गायों को खाना खिलाना, ऐसे इस तरह का काम कर दूँ, तो देखते हैं क्या होता है।
जेसीबी से हम पता नहीं क्या क्या काम कर सकते हैं यार। यार हम तो अभी कहाँ आ गए यार, मैं घूम के उधर गया था लेकिन हमें जाना इधर था। ना स्लोली चल रहा है तो ये सूखा सूखा सा चीज है यार, इसीलिए ये खींच पा रहा है, नहीं तो ये नहीं खींच सकता यार, खींच ही नहीं पाता। तो चलो अभी सेलिंग पॉइंट आ गया है। चलो अभी यहाँ पर सेल होता है कि नहीं? नहीं यार। अरे चलो इस तो सेल हो रहा है, अनलोडिंग कर रहा है पीछे। पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे यार इस डेली फार्मिंग का काम करके। चलो मैं नहीं देख सकता यार, मेरी आंखें कमजोर है, तो आप लोग भी देखिए कि कितना मिला है। चलो मैं अभी दूसरा काम करता हूँ। चलो हम अभी अपने वही जगह पर आ चुके हैं। चलो अभी मजे के लिए मैंने इस पे रॉक लोड कर दिया है, तो चलो टेस्ट करते हैं कि ये खींच पाता है कि नहीं। थोड़ा बैक चलो यार। चलो अभी टेस्ट करते हैं कि ये खींच पाता है कि नहीं। ओ ठीक है, मुझे लगा था कि ये लिफ्ट हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। चलो यहाँ पे टेस्ट करते हैं। चलो यार आज के लिए तो वीडियो इतना ही, और आपको मिलते हैं कल। तो बाय बाय गाइस।